उनको कहीं नहीं जाना, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। देखो किरक, यदि 50 गेंदों के बॉक्स में 20 गेंद काले हैं बाकी सब लाल हैं, तो ये बताओ लाल गेंदों की संख्या कितने प्रतिशत है? लाल गेंदों की संख्या कितने प्रतिशत है? सोचो और बताओ संख्या कितने प्रतिशत है, सोचो और बताओ। टोटल गेंद कितने हैं? कुल गेंद कितने हैं? कुल गेंद 50 हैं, जिसमें से कह रहा 20 गेंद काले हैं। कितने हैं काले गेंद? कितने हैं? 20 हैं। तो पूछ रहा है बाकी जो सब हैं वो लाल गेंद हैं। तो अगर हम देखें कि लाल गेंद को हम ललकी पेन से लिखें तो लाल गेंद कितने हैं, घटा लो तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज? देखो इसके लिए एक सूत्र जान लो, किसी भी चीज़ में अगर इस तरह का परसेंटेज निकालते हैं तो हम उस टोटल अमाउंट को पहले लिखते हैं जो है, जैसे 30 है, हाँ, उसके बाद उसको भाग देते हैं कुल अमाउंट कितना था, ठीक है, टोटल से। टोटल मतलब 50, और उसके बाद उसको 100 से गुणा कर देते हैं। यही इसका उत्तर हो जाता है, यही इसका तरीका है, ठीक, गुड ना। देखो तो काट दो, 50 से काटोगे, 50 दूना 100 और 20 तिया हो जाएगा 60, यानी कि 60% गेंद क्या है, लाल हैं। भाई वैसे भी हो ना क्यों, 60% हैं, सीधी सी बात है, क्यों? आप ऐसे जान लो 20 काला हैं, हाँ, 30 गेंद क्या हैं, लाल हैं, तो 10 तो सोचे सोच ज़्यादा हैं, है ना। तो ये आप लिख लो जल्दी से, जल्दी करो, इसको नोट करो। इस तरह का एक सवाल आप खुद से करना, मैं नहीं बताने वाला हूँ, जल्दी करो। सवाल बदल गया आपके अभ्यास के लिए, इसको भी हल करके बताना। अगर गेंदों को 120 कर दिया जाए, उसमें से गेंद 75 काले हैं, तो लाल गेंद कितने प्रतिशत होंगे, इसको भी बताना, खुद से करना, ट्राई करना, ज़रूर करना, बिना ट्राई किए नहीं रहना। चलो आगे बढ़ें, अगला। अब आपके दैनिक जीवन के काम का एक सवाल, आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, बच्चे पढ़ते हैं आपके, तो आप परसेंटेज निकालना चाहते होंगे कि कितना प्रतिशत नंबर पाया बच्चा, है ना। अक्सर आजकल तो ग्रेड चलने लगा, लेकिन फिर भी लोग परसेंटेज बिना निकाले नहीं रहते हैं। तो अगर कोई छात्र हाई स्कूल में पढ़ता है और यूपी बोर्ड से है, तो इस समय लगभग 600 नंबर का पूर्णांक होता है, और उसमें से अगर वो 350 नंबर हासिल करता है, मार्क्स पाता है, तो उस कितना प्रतिशत वो पाया है, इसको कैसे निकालोगे? इसके लिए एक फार्मूला याद रखना, हर जगह इस तरह के किसी भी सवाल में परसेंटेज मार्क्स इक्वल ऑब्टेंड मार्क्स, यानी कि प्राप्तांक। प्राप्तांक कितना है? 350। टोटल अमाउंट यानी कि टोटल मार्क्स जो है कितना है? 600, और इसको 100 से गुणा कर देना। बस यही आपका सबसे आसान तरीका है आपके सवाल करने का, है ना। कितना आसान है ना, बहुत आसान। कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको आप काटोगे बच्चा लोग 2 से, तो आप जानते हो कि 2 एकम 2 और 2 सते 14, हाँ यही तो होगा ना, 2 एकम 2 और तो किसी से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10 और ये 2 तियाई 6, यानी कि इतना आएगा, 175/3 आएगा। आप कहोगे ये कौन सा नंबर है, तो चलो इसको हम भाग करते हैं। 175 को अगर हम 3 से भाग करेंगे, हम जानते हैं कि 3 पचे 15 होता है, घटाने पर 2 आएगा, आप 5 उतार लोगे तो 3 सते कितना आएगा, 21। कितना आया? 21। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं यहाँ पर? अगर आप ध्यान दो तो कुछ गड़बड़ हो रहा लग रहा है का? कुछ भी गड़बड़ नहीं, सब कुछ ठीक है, बस आगे देखते जाओ। कितना हो जाएगा ये? 3 सते 21। इसमें से घटाओगे तो आपका ये 4 आएगा, आप जानते हो ऊपर आप डेसिमल ले जाओगे, 0 उतारोगे तो 3 9 27, ओ सॉरी डेसिमल नहीं बढ़ाओगे, अभी डेसिमल नहीं बढ़ाओगे ना, क्या होगा, अभी ये गड़बड़ कर रहे हो आप। 3 8 24 8 बार जाएगा, कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, तो आपका ये 24 हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा बच्चा। कितना आएगा? 1 आएगा, हाँ। अब आप डेसिमल ले जा सकते हो, यहाँ 0 लिख सकते हो, तो 3 3 का 9 जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका वही आएगा, यानी 58 कितना पाएगा, 58.33% मार्क्स वो बच्चा हासिल किया है, मतलब वो 60% में थोड़ा लटक गया है। 60% तब होता जब वो 360 नंबर पाता 600 में, तब वो 60% पाता, है ना, है ना। काम का लिख लो, जल्दी करो, फटाफट लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको याद रखना लाइफ में, कोई परीक्षा नहीं देना, लेकिन ज़िंदगी में भी काम आने वाले हैं। अभी नहीं आएंगे तो आपके लड़के बच्चे होंगे, जब तब काम आएंगे।